कैसा रहा कैन का एक्सपीरियंस रहां दो मिनट के लिए कि मैंने अच्छे-अच्छे दिए सा मैं कि वो, कि वो किस्मत से हुआ है ये सारी चीजों के पीछे मेरा भाई है मनु एक टाइम ऐसा आया कि उसके स्कूल की फीस जानी थी या मेरी वीडियो का कुछ सामान खत्म हो रहा था उसने अपना एक साल बर्बाद कर दिया उस ड्रेस के बारे में बताइए क्या सोच के बनाया था आपने तो ये ताकि अगर मैं जितना बड़ा पहन के जाऊंगी ज्यादातर लोग मुझे कवर करेंगे तो मैंने पूरा फायदा उठाया अगर मैं रेड कारपेट पे जा रही हूँ किसी का नहीं होगा और अगर मेरा गंदा भी लगेगा सब लोग देखेंगे तो एक बार की इतना बड़ा है कौन कभी सोचा था कि सोनम कपूर आपसे कहेगी कि मेरे लिए भी ड्रेस बनाओ सात जन्म तक नहीं सोचा था साड़ी बनाऊंगी मन के लिए लोगों ने इतना प्यार दिखाया मुझे यकीन नहीं आ मुझे पैसे नहीं चाहिए था सही में मम्मी को हटाना था खतरा था किस चीज़ की भाक्टर? पता चलता था कि आज किसी का मशीन में हाथ आ गया किसी कुछ हम... तो टेंशन रहती थी हमारे साथ ना हो जाए कभी मैं रो क्यों नहीं <laughs> अबे मानते कि एज ट्वेंटी थ्री से पहले बहुत ज्यादा संघर्ष था जिंदगी में बहुत था कभी आया था विचार क्यों तभी क्या हो रहा है कि वो स्कूल में भी जा रहा है उसकी फीस भी भरनी है छ सात हजार में क्या हो रहा है महीने में कुछ नहीं होता जहर आ जाता है उतने कैन फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट के लुक के लिए और इनके वायरल स्पीच के लिए आज पूरी दुनिया नैन्सी त्यागी से इंस्पिरेशन ले रही है पर इनका एक बहुत मुश्किल सफ़र रहा है यहाँ तक पहुँचने में आज उसी सफ़र के बारे में बातें होंगी बहुत पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन है बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग कॉन्वर्सेशन है इस इंसान में जो पावर है ना आज आपको उस पावर की एक झलक दिख जाएगी इस, इस टी आर एस एपिसोड में इट्स नैन्सी त्यागी ऑन टी आर एस नमस्ते नायन सी त्यागी नमस्ते कैसे हो बढ़िया आप कैसे हो मैं ठीक हूँ आज बस यही जानना चाहता हूँ बाहर ही नहीं निकल पा रही शायद कि मैं छा रही हूँ सोचा नहीं था इतना बड़ा एकदम से अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरी किस्मत में यह सब किसने लिख दिया कैसा रहा कैन का बहुत अच्छा रहा निकलने से पहले मेरी हवा टाइट हो रही थी उधर कि मैं कैसे जाऊंगी डर लग रहा था और एक क्रिएटर और थे जो मेरी कार में थे वो मुझसे ज़्यादा डर रहे थे मैं उनसे ज़्यादा डर रही थी पर मैं ना मेरे भाई के बिना कभी कहीं पे नहीं गई हूँ मम्मी मेरे भाई मेरे साथ ही जाता है मैं एक किलोमीटर भी कभी अकेले नहीं गई कहीं पर तो मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स कराई उसने भी और मन टीम ने सब ने कि जाना चाहिए तुझे जब मुझे रेड कारपेट पर जाने का मौका मिला तो मैंने बोल दिया कि मैं नहीं जाऊंगी उसके बिना क्योंकि उसका वीज़ा में कुछ दिक्कत थी कि वो नहीं जा सकता पर जब मैं अकेले मैंने हिम्मत करी कि मैं दूसरा देश जा रही हूँ अभी तो फिर उधर गाड़ी में से उतरते ही मैं अलग ही हवा पे थी फिर फिर मेरे अलग ही रिएक्शन थे उधर अलग ही एटीट्यूड दो मिनट के लिए कि पाँच मिनट तक करते हैं फटाफट फिर निकल जाएंगे क्या ही जा रहा है मैंने फटा से अच्छे अच्छे पोज दिए एक और सोच रखा था कि मैं उधर जाके हाथ भी जोड़ूंगी पर वो मेरी टेल उधर अच्छे से नहीं फैल पाई पर जितना हुआ मैंने अच्छे से करा और उधर ज़्यादा टाइम भी नहीं मिलता तुम्हें कि तुम मज़े में पोजेस ले रहे हो तो वो साइड से ऐसे करते रहते हैं कि चलो ऊपर तो मैंने उनको थोड़ा सा साइड करके मैं उधर बैठ भी गई ताकि मुझे हटाई ना उधर से आ, और मैंने अच्छे अच्छे पोजेस लिए मुझे पता था इस बार मेरा ही होगा अब जानते थे कि क्या-क्या होगा कैन के रेड कार्पेट वॉक के बाद हाँ, जानते थे हाँ, इतनी ज्यादा हाइप हो जाएगी नहीं वो <laughs> किस्मत से हुआ है गए वहाँ सब लोग थे सब अपने आप को बढ़के एक से एक ही सोच के गए होंगे मैं भी कि मैं भी अच्छा करूँगी और सब भी अच्छा करेंगे पर मुझे लग रहा है किस्मत है ये थोड़ी सी कि इतना ज्यादा हो गया एकदम से कि हर जगह मैं ही आ रही हूं अब्रॉड <laughs> भी <laughs>

फुल दिया जितना मुझसे हो सकता था दिन रात करके खे? चार आउटफिट बनाए मैं आपके बारे में बहुत कुछ जानना चाहता हूँ हाँ। आपने अब जस्ट कहा कि आप अपने घर से एक किलोमीटर दूर, दूर भी भाई के बिना नहीं जाते थे हाँ मतलब भाई मम्मी साथ में ही जाते थे हम अकेली मैं कभी गई नहीं कहीं पे तो फिर थोड़ा सा डर लगा था कि मैं अकेली कैसे जाऊंगी पर फिर उधर सब बढ़िया से उसकी याद भी नहीं आई एक मिनट के लिए उधर इतने बिजी हो गए थे तो अभी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आया कि अभी भी जा सकती हूं मैं। भारत के बाहर दुनिया कैसी होती है बढ़िया है, मजा आया उधर अच्छा है सब लोग सपने देखते हैं कि साउथ फ्रांस में घूमने जाएंगे नहीं मुझे ट्रैवल पसंद नहीं <laughs> मुझे थोड़ा ये बताने में भी कि वहाँ क्या अलग है क्या थोड़ा ये मुझे पसंद नहीं घर पे रहना ज्यादा पसंद है हाँ घर पे रहना सिलाई करना सबसे ज़्यादा पसंद है और मुझे झूलों पे झूलना पसंद है बहुत बड़े बड़े झूले <laughs> और वाटर पार्क इन सब में थोड़ा नहीं बढ़िया पर सिलाई में आपका इंटरेस्ट हाँ, है उसमें सबसे ज्यादा कैसे सीखे खुद का पॉडकास्ट स्टार्ट करना है पहले ये सीखो कि पॉडकास्ट स्टार्ट कैसे करते हैं एक पॉडकास्ट के के थ्रू आपको आपको अपने सोशल मीडिया लिए 20 शॉर्ट फॉर्म वीडियोस मिल सकते हैं पर आपको आज क्या सीखना है कि पॉडकास्टिंग की शुरुआत कैसे करें आपका मैं भगवान जी को मानती हूँ तो मैंने कहीं पे सीखा नहीं था कहीं कुछ नहीं मैंने वीडियोस भी अभी देखना स्टार्ट करा था अभी मुझे थोड़े बड़े बड़े डिजाइन बना रही हूँ मैं अभी उनमें दिक्कत आ रही है पर शुरू से तो खुद ही हो गया एकदम से मेरी एक रील मैंने ऐसे रैंडमली डाल दी बना के वो वायरल गई तो भी मुझे नहीं लगा कि और भी बनाने चाहिए मैं बीच में और भी कॉन्टेंट घुसा रही हूँ अपने अकाउंट पे। पर एक टाइम आ गया पता चला कि उन पर नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं और ये पॉजिटिव तो सारे पॉजिटिव वाली रील डालते हैं तो डालते डालते ये करते करते अभी प्रेशर आ रहा है नए नए डिज़ाइन बनाने हैं तो जो अभी तक बन गया वो आगे नहीं बनना एक और नया ढूंढना है करते करते अभी हो रहा है सब आ, आपको ना पूरी फैशन की दुनिया से अप्रीसीेशन मिली है और फैशन की दुनिया काफ़ी कठोर हो सकती है हाँ ये आप जानते हो, कि फैशन की दुनिया कठोर हो सकती है पर हर कोई आपकी तारीफ कर रहा था आपके लिए तालियां मार रहे है? थे आपकी डिजाइन के लिए भी मतलब आपके पर्सनालिटी के लिए डेफिनेटली पर आपके डिजाइन के लिए भी मैं ये वाले जो मैंने अभी बनाए कैन के लिए आउटफिट ये वाले मैंने खुद के डिजाइन बनाए अभी तक मैं रिक्रिएट ही करती थी पता होगा आपको शायद हाँ।, हाँ तो अभी ये वाले डिजाइन हंड्रेड हाँ हंड्रेड डेज खत्म नहीं हुए तो ये वाले डिजाइन मैंने खुद ही बनाए हैं तो इनमें मुझे चार महीने पहले पता चला था कि मुझे जाना है कैन में तो दो महीने मेरे ये सोचने में निकल गए मैं किस कलर में बनाऊँ किस मतलब क्या डिज़ाइन रखूँ मेन क्या रखूँ कितने बनाऊँ दो महीने जब बचे तब बिल्कुल ऐसे हो गया कि पंद्रह पंद्रह दिन भी लगाऊंगी मैं चार आउटफिट के लिए चार ही बनाने थे पर फिर फटाफट करा दिन रात एक करके तो मैंने दिन रात एक कर दिए तो वो दोबारा से चार महीने हो गए एक तरीके से बहुत टाइम लगा बनाने में आप किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे थे मैं यूपीएससी की आई थी कोचिंग के लिए इधर तो तभी लॉकडाउन तो नहीं था पर ये चांस हो रहे थे कि अभी लॉकडाउन हो जाएगा मतलब एक बार लग गया था वो शुरू में जो लगा था और अभी दूसरी बार लगने वाला है तो मम्मी जैसे काम पे जाती थी फैक्ट्री में जाती थी उधर तो वहाँ पे मम्मी की सैलरी ये थी छः सात हज़ार बस महीने की महीने की हाँ तो मम्मी उधर जाती थी मेरे पास कोचिंग के पैसे थे कि मुझे इनमें कोचिंग करनी है मेरी वो मम्मी ने पापा से लिए थे पापा सपोर्ट नहीं करते थे शुरू में पर मम्मी ने गांव में जब हम रहते थे ना तो मम्मी स्कूल में पढ़ाती थी तो उधर तब तो मम्मी ने कि बचपन है सब संभाल लिया खुद ही पर अभी जब ट्वेल्थ हो गई कि अब कुछ करना है तो फिर पापा को बोला पापा ने कहा मैंने अब तक नहीं दिए मैं अब भी नहीं दूंगा मम्मी थोड़ा सा टाइट हुई कि अभी तो मुझे चाहिए बहुत ज़्यादा टाइट हुई लड़ाई वड़ाई हुई तो पापा से थोड़ा सा पैसा लिया कि अभी ये कोचिंग में जाएगा इसकी पर फिर हो गया लॉकडाउन वाला सीन की फिर हम लॉकडाउन में किसी कारण से हम डेली आ गए थे कि पढ़ाई के लिए आए थे वैसे तो पर फिर मम्मी इधर फैक्ट्री में गई तो फिर लॉकडाउन के अभी लॉकडाउन लगेगा जो मेरे पास पैसे रखे थे अगर अभी मैं ये सोच के रखो रखूँ कि कोचिंग खुलेगा मैं तभी कोचिंग के लिए जाऊँगी और लॉकडाउन में कोचिंग भी नहीं खुल रही थी तो मैंने सोचा इनका भी मैं कैमरा लूँ वीडियो बनाऊँ अपनी तो मैंने सारा पैसा उधर लगा दिया क्या करना तभी कोचिंग खुल नहीं रही थी मेरे पास पैसा था कि तब कोचिंग खुलेगी मैं तब करूँगी पर तब तक वो पैसा नहीं बचता तो इसलिए मैंने कैमरा ले लिया पता नहीं। तब तो सबको ये गलत डिसीजन लग रहा था कि कौन मंदबुद्धि करेगा ऐसा पर अभी सब सही हुआ अच्छा करा रिस्क लिया हो गया कभी सोचा था कि सोनम कपूर आपसे कहेगी कि मेरे लिए भी ड्रेस बनाओ <laughs> सात जन्म तक नहीं सोचा था अब बनाओगे हाँ पक्का

तो मैंने तो कुछ और ही सोच के वीडियो बनाना स्टार्ट करा था मैं ट्रांजेक्शन करूँगी मैं मोशन क्लिप्स की वीडियो डालूंगी हो जाऊँगी फेमस अभी सब चीज़ें लग रही है कुछ नहीं है कुछ नहीं होता है ऐसे टैलेंट निकल गया तो हो गया वरना मुझे नहीं लगता टैलेंट नहीं होता मैं कितने हाथ मारती कभी नहीं होती सोशल मीडिया की वजह से आपने खुद के टैलेंट को डिस्कवर किया <laughs>

उस ड्रेस के बारे में बताइए क्या सोच के बनाया था आपने रेड कारपेट हाँ मतलब फैशन की दुनिया ऐश्वर्या राय मैम के क्लोथिंग को क्रिटिसाइज़ कर रही है हाँ. और आपके क्लोथिंग को प्रेज कर रही है वर्ल्ड वाइड फैशन की दुनिया मुझे ये तो पता है कि मतलब डिजाइंस अच्छे तो हो सकते हैं बड़ा बना लो छोटा बना लो जैसे वो ज़्यादा बड़ा गाउन है वजन है उसमें तो जरूरी नहीं कि सुंदर ज़्यादा बड़ा ही लगेगा कुछ पर ये ताकि अगर मैं जितना बड़ा पहन के जाऊँगी ज़्यादातर लोग मुझे कवर करेंगे मैं इतना बड़ा पहन के जाती हूँ उधर तो मैंने पूरा फ़ायदा उठाया अगर मैं रेड कारपेट पे जा रही हूँ कि मैं इतना बड़ा बनाऊंगी इतना बड़ा किसी का नहीं होगा और अगर मेरा गंदा भी लगेगा सब लोग देखेंगे तो एक बार की इतना बड़ा है कौन और इसीलिए मुझे ज़्यादा फिर रिकॉर्ड करा और मैंने जो मेरे डिज़ाइन लोगों को ना मेरा फर्स्ट लुक से अच्छा सेकेंड साड़ी वाला लगा पर साड़ी पहनना कारपेट पर मेरे लिए उतना शायद फ़ायदे का नहीं होता इतना वो बड़ा ड्रेस गया क्योंकि सब लोग देख रहे थे इतना बड़ा सा किधर से क्या आ रहा है चल के तो उधर अच्छे से रिकॉर्ड हुआ सब फटाफट बड़ा बड़ा और उधर चला तो मुझे गिल्टी फील नहीं है कि मेरा फर्स्ट से अच्छा लुक लोगों को लग रहा है और मुझे वो पहनना चाहिए था उससे उतनी हाइप नहीं होती आपके सारे लुक्स लोगों को अच्छे लग रहे हैं लग रहे हैं पर पता चलता है थोड़ा सा कि साड़ी वाला शायद ज्यादा अच्छा लगा वो शायद अलग लगा था उन्हें पर आपका आपका जो पिंक ड्रेस है वो आइकॉनिक बन चुका है हाँ। मतलब मैं मानता हूँ कि फैशन तब आइकॉनिक बन जाती है जब वो फैशन की दुनिया से बाहर भी निकल के हाँ नहीं ये डिसीजन बिल्कुल सही है कि मैंने वो ही रखा का रेड कारपेट के लिए बड़ा एकदम जो सब देखे मुझे तो मैं थोड़ा सा दिमाग लगा के भी चली थी फेम शोहरत को कैसे हैंडल कर रहे हो फेम शोहरत <laughs> एकदम से हो गया सब कुछ अभी प्रोसेस नहीं हुआ है <laughs> अभी टाइम लग रहा है अजीब लग रहा है थोड़ा हाँ. <laughs> मतलब खुशी हो रही हद से ज्यादा कि मैंने मेरी मम्मी को हटवा दिया काम से hmm. ये नहीं मुझे इतना पैसा नहीं चाहिए था कि बहुत सारा बस इतना चाहिए था कि मम्मी काम पे ना जाए मम्मी क्या कह रही है खुश है? है नहीं अच्छी बात है पूरा देश आपके लिए तालियां मार रहा है पूरा देश द होल कंट्री इज प्राउड लोगों ने इतना प्यार दिखाया मुझे यकीन नहीं आ मम्मी ने क्या कहा मम्मी बहुत खुश हैं अभी मुझे पैसे नहीं चाहिए था सही में मम्मी को हटाना था ये, ये होता है सोशल <laughs> मीडिया का पावर बट यू शुड ऑल्सो बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ खुश हो हाँ? गर्व है खुद पे बहुत तो बस ये जॉब कह रहे हो ना कि मम्मी को काम से निकलवाना था ये बहुतों का सपना होता है और बहुतों का सपना पूरा नहीं होता मेरा सपना ना मेरे लिए तभी तक था तब तक मैंने ट्वेल्थ करा मैं ग्रेजुएशन कर रही थी और अभी मुझे यूपीएससी की कोचिंग के लिए जाना है फिर मम्मी गई फैक्ट्री में उसी बिल्कुल उसी के दौरान सब चीजों के तो मेरा सपना साइड हो गया कि अभी मुझे ये जान बचानी है मम्मी की तरह खतरा था उधर फैक्ट्री में हाँ। किस चीज़ की फैक्ट्री थी मतलब पता चलता था कि आज किसी का मशीन में हाथ आ गया किसी कुछ तो टेंशन रहती थी हमारे साथ ना हो जाए कभी मैं रो तो क्यों नहीं नहीं <laughs> ठीक है ये इस रूम की वजह से होता है बहुत सारे लोग यहाँ आकर रोते हैं पर शायद आपको संतुष्टि महसूस हो रही है अंदर दिल में ना घर भी बन जाएगा सब कुछ हो जाएगा पर जो मुझे खुशी है वो ये है कि अब मेरी मम्मी आराम से मजे में है। ये मेहनत की खुशी होती है ना? पैसे का क्या है पैसों की टेंशन अब होगी नहीं नहीं जिंदगी भर यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ गर्व है ना खुद पे हाँ। तो बस बहुत कुछ करोगे आप मेरे ख्याल से डिज़ाइन वर्ल्ड में फैशन वर्ल्ड में मेरा दिन रात यही चलता है है कि मुझे अब क्या सिलना <laughs> मैं प्लेन में भी आती हूँ दो दो घंटा बैठ के तो मैं उधर कटिंग देखती हुई आती हूं. <laughs> तो, तो चलता नहीं है तो मैं डाउनलोड करके रखती हूँ मुझे अभी ये डिजाइन सीखना है वाह mm. wow. तो मन मेरा अच्छा लगता है उस चीज में पढ़ाई में नहीं लगा रिश्तेदारों को पढ़ाई से कुछ करवाना था अरे 2024 में पढ़ाई ऐसे ही होती है हर किसी की कला निकल के आ रही है सोशल मीडिया के थ्रू तो, तो सोशल मीडिया करियर भी आगे जा रहा है आपकी हाँ। डिजाइन स्किल्स भी आगे जा रहे हैं शाहरुख खान के लिए कुछ बनाओगे कोट पैंट बनाओगे आप जेंट्स के लिए भी बना तो नहीं बस सीख लूंगी उनके लिए सीख लूंगी शाहरुख खान के लिए हाँ। <laughs> okay. Uh, और किस आ, और किसने मैसेज किया आपको अर्जुन कपूर रिया कपूर और हैं थोड़े सीरियल वाले लोग मुझे कम पता है थोड़ा उनके बारे में मैं ना इंस्टा पे तभी से रील बनाना शुरू करा है उससे पाँच छः महीने पहले मैंने इंस्टाग्राम अपने अकाउंट था मेरे पास तो मैं ज़्यादा लोगों को भी नहीं जानती थी क्रिएटर की वो भी मैंने तभी जाना था भी उन्होंने फॉलो किया ये कौन है मेरे भाई को सब पता है वो ही बताता था कि ये ये है ये ये है तो अभी पता चलते जा रहा है क्या पता चल रहा है सोशल मीडिया के बारे में कि ये फैशन के हैं ये क्रिएटर हैं वो सीरियल हैं वो बोली वो तो खैर पता ही था पर मैं ज्यादा नहीं देखती थी मतलब ज्यादा एक्टिव नहीं थी सोशल मीडिया की दुनिया के लिए आप एक इंस्पिरेशन बन चुके हो ये पता है ना आपको ये मालूम है खुद को इंस्पिरेशन मानते हाँ। लोग मानते हैं <laughs> आप बस आर्टिस्ट मानते हो खुद को हाँ। कलाकार हाँ? लोग मान रहे हैं तो मैं मानने लगी हूँ खुद को हाँ। कलाकार अच्छी बात है कब लौटे आप कैंसर हम आए दो तीन दिन पहले आए थे okay. पापा से बात हुई हाँ क्या बोले पहले तो जब हमने बोला था कि मन्नू में जा रहे हैं तभी बोला नहीं जाओगे फिर बाद में ये दिक्कत हुई कि मनु जा ही नहीं रहा है मैं अकेली जा रही हूँ तो उनको और प्रॉब्लम हुई कि इतनी दूर जाने का फ़ायदा क्या है अगर घर चल रहा है अभी तो फिर जाके क्या इतने में ही खुश रहते हैं तो मम्मी ने बोला आपसे पूछ नहीं रहे हैं बता रहे हैं कि वो जा रही है तो मैं गई और अभी कल मेरी बात हो रही थी तो बोल रहे इतने फोन मैंने जिंदगी में नहीं उठाए जितने कल मैंने पूरे गांव के उठा लिए <laughs> क्या कह रहा है पूरा गांव प्राउड है अखबार निकलवा रहे हैं लोग टीवी में देख रहे हैं जो लोग रिश्तेदार बात भी नहीं करते थे फ़ोन कर रहे हैं पता नहीं किधर से नंबर जा रहा है उनके पास मुझसे बात करने के लिए बोल रहे हैं मैं बोल रही हूँ रखो इनको मुझे नहीं करनी ये, आ, जो ये जो जो आप कह रहे हो ये फीलिंग होती है जब सफलता मिल जा रही हाँ, सब पास आ रहे हैं रिश्तेदार आप आपको कैसा लग रहा है ये सब देखकर मुझे मजा आ रहा है मैं <laughs> खोल के सुनती मम्मी बात करती है उनसे बताती है ऐसे ऐसी चल रहा है फिर उनकी मैं स्पीकर खोल के सुनती हूँ वो बोल क्या रहे हैं जैसे आता है कि नैन्सी से बात कर रहा हूँ नैन्सी नहीं है इधर वो बाहर है मुझे करनी भी नहीं उनसे बात आजकल कल से पॉडकास्ट पर वो भी मेरे फेवरेट के साथ <laughs> <laughs> मैंने बहुत देखा सही में आपके शो और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इधर मैं बैठी हूँ मुझे हर चीज़ का ना ऐसे ही लग रहा है अभी ये चीज़ मेरे साथ क्यों हो रही है शायद क्योंकि आपका दिल साफ है और आप मेहनत ही हो <laughs> मुझे डर लग रहा था आपके पॉडकास्ट में आते मैंने क्यूं? सुना मैंने देखा कि आप बहुत ज़्यादा सामने वाले से क्वेश्चन पूछते हो कि कुछ बोल ले को बोल रही कि उधर वो भी शांत बैठेंगे मैं भी पॉडकास्ट ऐसे ही चलेगा क्या है। कैसा लग रहा पर सामने कर। परेशान कर रहा हूँ नहीं, नहीं, नहीं? <laughs> हाँ। जानना है हाँ अभी लोगों को लगता है कि मैं थोड़ी सी कम बोल रही हूँ थोड़ा सा पर मैं घर में शुरू से ऐसी हूँ मेरा नेचर थोड़ा ऐसे ही कम ही बोलती हूँ तो इतना भी मैं फालतू ही बोल रही हूँ अभी इधर पर जब आप बोलते हो पावर निकलता है आपके शब्दों से थैंक यू इसलिए जो स्पीच भी आपने दी थी जो आप दिल से बोल रहे थे ना अकेले तो अभी कुछ करके तो जाना है ऐसे ही चली गई तो वेस्ट जाएगा मेरा आना भी अब क्या कह रहे पापा अभी पापा बहुत खुश है मैंने पूछा खुश हो बोल रहे बहुत खुश अभी सब सपोर्ट में है अभी दुश्मन रिश्तेदार सब <laughs> आपके दुश्मन हैं मतलब आस पड़ोस में होते ही हैं जो जिनको ये लगता था कि एक उम्र के बाद शादी हो जानी चाहिए वे दुश्मन ही होते हैं और क्या बोलते हैं उनको अब गांव की बातें कर हो हाँ गांव के बारे में कुछ बताओ बचपन कैसा था आपका बचपन मैं मेरे मम्मी पापा के साथ नहीं रही हूँ मैं मेरे मामा के घर पर रही हूँ उधर मेरा भाई छोटा था तो म, पापा सपोर्ट नहीं करते थे जैसे मैंने बताया तो मम्मी मन्नू के पास मन्नू को रखती थी और मुझे मामा के घर पे छोड़ दिया था मैंने टेंथ उधर से ही करा बस मैंने इलेवेंथ ट्वेल्थ करा अपनी मम्मी पाप मम्मी के पास में रह के दिल्ली में नहीं यूपी में यूपी यूपी मेरठ साइड और जो मेरे मामा है वो है सहारनपुर के साइड तो मम्मी का जो माइका मामा मतलब उधर मैं रही और फिर अभी मैं इधर आई तो ये दो साल रहे हम और फिर ये फैक्ट्री वैक्ट्री का सीन हो गया गांव में हमारा ये वाला था कि मम्मी हमें बहुत सपोर्ट करती थी मुझे भी मन्नू को भी तो मेरे मामा ने बोला इतने में जब पता चला कि हम पापा से पैसे मांग रहे हैं तो बोला कि इतने में पैसे लेके इसको तो कोचिंग की बोल रही है इतने में शादियों के टेंशन फ्री नहीं हो जाएगी और जो पैसे फिर तुझे पढ़ाई के लिए लगाने हैं पापा से तू लेके मन्नू के ऊपर लगा देना और ये टेंशन ख़त्म होगी और उसको पढ़ा लेना तो मम्मी ने बोला कि मैं अपने लड़के को नहीं पढ़ाऊँगी इसको पढ़ाती हूँ एक बार पैसे दे दो दूसरी बार मत देना अगर वो नहीं बनेगी फिर नहीं मांगूंगी तो फिर एक यूपीएससी वाला सीन हूँ हमें साथ कि तभी मेरा रिजल्ट आया तो हो तभी इतनी समझ नहीं थी मुझे कि मुझे खुद से सोचना चाहिए मुझे क्या करना है लोगों के प्रेशर में आके बच्चा यूपीएससी करनी है क्योंकि एक तो मुझे इंग्लिश मेरी कमज़ोर भी नहीं है मेरी है ही नहीं तो फिर यू एक ऑप्शन में बचा कि यू हिंदी से हो सकती है वो भी मुझे अभी पता चल रहा है उधर भी है इंटरव्यू होते हैं पर थोड़ा सा प्रेसर में आके कि हाँ मैं यू पी करूँगी ऐसा करके निकल तो गए हम पर तभी बिल्कुल ये हो रहा था कि अब पैसे दे नहीं हैं किताब भी ले आई थी मैं यू के लिए दृष्टि से मुखर्जी नगर में सोच भी लिया था जाने का फिर एकदम से सोचा ये सच में मेरा ही सपना है क्या मम्मी ने अगर ये बोला है कि एक बार पैसे दो फिर मत देना तो फिर तो सोच समझ के लगाना चाहिए फिर मैंने कैमरा ले लिया अच्छी बात अच्छी चीज करी ना जब आपने कैमरा लिया तो मम्मी ने क्या कहा मम्मी को फर्क नहीं पड़ता किसी भी चीज़ से कामयाब हो जाओ बस हो जाओ तुम्हें तो लग रहा है तुम पढ़ाई से नहीं हो सकते हो इससे हो जाओ उनके पास तो वही पैसा था फिर उसके बाद तो कुछ भी करके नहीं दे सकती थी मम्मी ने मेरी वजह से अपना सारा गहना भी बेच दिया था जो मम्मी के पास झुमकी चेन जो भी थी शादी की वो भी हमारी पढ़ाई के लिए बेच दिया था बस लास्ट ये था कि एक बार हमारे पास जो पैसा था वो लिमिट में था कि अब ये या तो कोचिंग जाएगा या इससे कैमरा आएगा उसका सेटअप होगा पूरा लाइट भी चाहिए थी कपड़े भी चाहिए थे मेकअप भी चाहिए था वो छोटी छोटी चीज़ों में भी जा रहा था और सरोजनी नगर तो है ही सस्ते कपड़े <laughs> लाओ और बनाओ शायद बहुत लोग ये जानते नहीं पर सोशल मीडिया में आपकी शुरुआत हुई थी करीब एक साल पहले उससे भी कम आ, तब से मतलब सब चल रहा है हाँ जब आप एकदम सोशल मीडिया क्रिएटर बन गए हाँ हो गया एक साल, एक हो साल हो चुका हंड्रेड डेज हंड्रेड ड्रेसेस हाँ ये ये मैं ना इस मीसो की वीडियो बनाती थी मैं तभी मैंने सबसे पहले जब मैंने कैमरा लिया मैंने ट्रांजेक्शन वगैरह बनाना शुरू करा मुझे पाँच छः महीने में पता चला इसमें मेरा कुछ नहीं रखा तो मैंने सोचा कुछ ऐसा बनाऊँ जो लोग रुके मुझे उस टाइम ये नहीं पता था कि क्रिंज है ये ये गलत है अगर ये वायरल भी चला गया फिर भी कुछ फ़ायदा नहीं है मुझे इस चीज़ का कुछ आइडिया नहीं था बस ये था अगर एक वीडियो है वो वायरल है तो पैसा है बस इतना ही अनता पर अभी सब पता चल रहा है तो ये चीज़ होते होते हुई है कि मुझे पता चला कि सिर्फ व्यूज़ भी मैटर नहीं करते इज़्ज़त नाम की भी कुछ चीज़ है मैटर करती है तो करते करते भगवान जी ने इतनी इज़्ज़त दिला दी कि इज्जत इज्जत है पैसा भी है इज्जत भी है पर आपने दिमाग लगाई है आपने हाँ, मेहनत करी है ये सारी चीज़ों के पीछे मेरा भाई है मनु सब चीज वही करता है मेरे कैन के जो चार आउटफिट हैं वो डिजाइन भी उसी ने बताया है कि ये बनाने हैं कलर भी उसी ने बताया है। बस मैंने उनको वो आएंगे शो पर हाँ आ जाएगा अगर दरेना। बुलाओ को एक टाइम ऐसा आया कि उसके स्कूल की फीस जानी थी या मेरी वीडियो का कुछ सामान खत्म हो रहा था उसने अपना एक साल बर्बाद कर दिया वीडियो बना वाह वो डर जाएगा कैमरा देख आ जाओ मन्नू भाई <laughs> मन्नु भाई कैसा रहा है आपका सफर बहुत अच्छा रहा है एकदम सपने जैसा लग रहा है मेरे को तो एकदम सब कुछ आपको मैं डेली देखता था <laughs> और आपका लाइव देख रहा हूँ कैसा लग रहा है ज्यादा अच्छा लग रहा है thank you, thank you, आपका बहुत बड़ा हाथ रहा है हाँ इसने तारीफ करी मेरी <laughs> मैं बोल रही हूँ इसने अपना स्कूल भी छोड़ दिया मेरे वजह से कि या तो स्कूल की फ़ीस जा रही है या मेरी वीडियो ही बन रही है तो वीडियो बना पता था इस तरह की शोहरत मिलेगी इन्हें ये सोच के क्या था कि मम, मम्मी को उनकी फैक्ट्री से काम से हटवाना है तब ये नहीं था कि कितना इतना बड़ा करना है कि कितना छोटा करना है बट उनकी सैलरी सिक्स थाउजेंड पर मंथ थी टेन थाउजेंड भी आ जाए किसी तरह मंथ से वो हट जाएंगे हम खुश थे ये सोचा था इतना बड़ा नहीं सोचा था ये ये तब बस मम्मी को हम ये बोल सके कि इतना पैसा तुम उधर से ला रही हो हम इतना ला हम इतना इधर से कर देंगे आप अब काम पे मचाओ ये था बस गोल स्टार्टिंग में और अभी तो डेली सरप्राइज हमें खुद मिल रहा है कि ये क्या हो गया ये इतना नहीं सोचा था इतना नहीं सोचा सबसे क्रेजी चीज क्या लगी है। ये रिस्पॉन्स ये सबसे अभी तक प्रोसेस नहीं हो पा रहा है क्या बड़ा है पॉडकास्ट ये जितना भी इसको सब सपोर्ट कर रहे हैं एकदम कांस फिल्म फेस्टिवल के बाद ये बताइए कि जो सोशल मीडिया की गेम क्रैक करी है इन्होंने ये कह रही हैं कि आपने दिमाग लगाया है इस नई डिज़ाइन बताए इसी ने कलर वो तो अभी हम दो साल से एक साथ कर रहे हैं काम मुझे इसका मतलब पता चल रहा है आपस में तो वो तो अपने आप हो जाता है लेकिन इसकी मेहनत लोगों को इसके टैलेंट को वो लोगों को पसंद आ रहा है कि हमारे जैसी है और इतना इसके अंदर टैलेंट है और ये इतना हार्डवर्क ये हार्डवर्क बहुत ज़्यादा डालती है टैलेंट है लेकिन ये बहुत ज़्यादा हार्डवर्क डालती है पिछले दो महीने में जब से इसको ये आउटफिट्स बनाने थे चार ये लिटरली एक घंटा सो एक दिन में और जिस दिन लास्ट वाले दिन पे जाने वाले थे उस दिन ये फाइनल आउटफिट इसका एक रेडी नहीं था तो अपना सुई धागे वाला बॉक्स और वो आउटफिट लेके गई है और इसका मेकअप हो रहा है और उसको <laughs> सिल रही है नीचे और मैं वीडियो कॉल पे देख रहा था तो उसने लास्ट डे तक सिला है मैंने ब्लॉग भी करा वो ब्लॉग भी है हमारे पास अभी लाइव नहीं हुआ है लेकिन इसने मतलब इस ये मेहनत बहुत ज़्यादा करती है पूरी पूरी रात अभी जैसे आज हमने अब सात बजे से स्टार्ट किया इसने ये नेक्स्ट डे सात बजे तक रात को बारह बजे तक भी कंटिन्यू करती रहती है अगर वो कम्प्लीट नहीं होता जो इसको करना है तो टैलेंट है हार्डवर्क के साथ है तो वो और रुक ये भी हमेशा यही बोल रही है कि अग अगर टैलेंट अगर और किसी में भी ये होता इतना ज़्यादा हार्डवर्क कोई कर ही नहीं सकता जितना ये करती है क्योंकि ट्वेंटी फोर आवर्स भी करती है ये हफ्ते में दो तीन बार तो एक दो दिन ही छोड़ते जो भी मम्मी पापा क्या कह रहे हैं मम्मी बहुत खुश हैं और अभी तो सब अब तो और पापा भी अब तो बहुत ज़्यादा खुश हैं क्या बोले आपसे जब आप यहाँ थे और दीदी कैन में थी पापा दोनों मम्मी तो मेरे साथ ही थी हर वीडियो कॉल पे बार 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 बहुत खुश हो रही थी और पापा का आने के बाद फ़ोन आया कि मैं तेरा नंबर दे रहा हूँ सबको मुझको ये न्यूज़पेपर से कॉल आ रहा है मेरे को इस न्यूज़ से कॉल आ रहा है बस खुश हो आप मैं तो बहुत खुश क्यों खुश हैं इसकी सक्सेस को देख के खुश हूँ दीदी को जो सफलता मिल रही थी वो आखिर मिल रही फाइनली और भी सफलता देखेंगे हाँ मनु भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस ये, ये आपकी भी जीत है थैंक यू एंड बैक टू द कन्वर्सेशन विद नैन्सी दीदी थैंक यू मजा आ गया आपसे मिलकर थैंक यू सपने में जी रहे हो आप <laughs> अभी उठना पड़ेगा नेक्स्ट <laughs> क्या सोचा है आगे का क्या सोचा आपने अभी मैं डिजाइंस करूं मतलब अभी मुझे रिक्रिएटिंग में नहीं घुसना कॉपी नहीं करनी Original. खुद के डिजाइन लाने वो एक और थोड़ी सी टेंशन की बात है थोड़ा मुश्किल है अभी एक जब से भी मैंने सिलाया एक डेढ़ साल हुआ एक तो सिलते सिलते फिर अभी दूसरों का देख के बनाना बहुत आसान लग रहा है खुद का भी सोचूंगी उस चीज़ में और अभी थोड़ा टाइम वेस्ट जाएगा मेरा कि सोचने में भी जाने लगेगा मेरा पर टाइम वेस्ट नहीं है ना अब सीख रहे हो पर हाँ ये भी है कि मेरे खुद के डिज़ाइन के एक अलग वैल्यू है ये चीज़ कब तक करूँगी कि किसी की फिर कुछ मतलब नहीं है उस चीज़ का भी जितना करना था शायद ये सही टाइम है अब छोड़ देने का तो अभी मैं खुद के डिजाइन नहीं करूँगी बिजनेस स्टार्ट करोगे कभी हाँ यही कि बेचोगे अपने डिजाइन यही मैं बोल रही हूँ नैन्सी <laughs> त्यागी डिजाइनर हाँ यही सपना देखा हाँ अभी तो यही सपना है कभी बॉम्बे शिफ्ट होगे? अभी प्लान नहीं है ये कुछ अभी तो हम दिल्ली में भी शिफ्ट नहीं है सही से साथ। <laughs> अभी तो उधर भी रेंट पे ही हैं दिल्ली में हाँ गांव में है छोटा सा घर अब अब कहाँ रह रहे हो अभी हम दिल्ली में रह रहे हैं चांदनी चौक के पास है उधर से ही जानते हैं सब क्योंकि जो मेन जो लोकेशन है उसको उसको मैं बताऊंगी कोई नहीं जानेगा वो जौहरीपुर में है पर चांदनी चौक के पास है अभी जहाँ पे हम रह रहे हैं तो अभी अपना घर तो अभी नहीं है अभी देखते हैं दिल्ली में होता है या मुंबई मुझे लगता है आप मुंबई आ जाओगे आप जितने मेहनती हो उस मेहनत को मुंबई में रहना चाहिए इस शहर में ना मेहनत को किया जाता काम है इधर ज्यादा उधर से बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं कि आना जाना लगा रहा है अभी हम इधर अभी आए हैं अभी सात दिन बाद फिर आना है अगले हफ्ते तो थोड़ा है कि अगर आना जाना हो रहा है तो फिर इधर ही हो सकता है दस बीस परसेंट है कि हो सकता है इधर अब किसी बात का डर नहीं है ना आपको नहीं निडर होकर अब काम कर रहा हूँ आपसे एज में छोटे लड़कियों को क्या कहना चाहोगे पता ही मैं क्यों पूछ रहा हूँ मैं खुद एक लड़का हूँ मैं शहर से हूँ मुझे पता भी नहीं कि आपने किस तरह की जिंदगी जी ली है हाँ। आई एम श्योर sure कि वहाँ एक लड़के और लड़की के जिंदगी में बहुत अंतर होता लड़की गाँव से जो है हाँ यही कि भगवान जी मौका सबको देते हैं बस वर्क करो पर कुछ वर्क भी करो और फिर भगवान जी खुद साथ देंगे अगर कोई चीज़ लग रहा है कि ये रास्ता नहीं है खुल नहीं रहा है इधर तो भी रास्ते खुद पे खुद बनते हैं मेरे केस में तो यही चीज़ हुई कि मैंने जो चीज़ें सोच के रखी थी कि मैं ये ये करूँगी वो वो हुई ही नहीं मेरे साथ अलग एक अपने आप ही रास्ता बन गया तो मैं ये चीज़ मेरे लिए सही नहीं है मैं औरों के लिए कैसे कि क्या अपने आप खुद पे खुद है कि बस हार्ड वर्क करो अगर सही नहीं जा रहा है फिर उसे करते करते पता चलेगा ये नहीं और तरफ करें पर मेहनत है तो एक दिन है कुछ खुद की कला को पहचानते कैसे लोग बता रहे हैं <laughs> जब लोग कहते हैं हाँ, कि आप इस इसमें लोगों ने बताया जब बिल्कुल स्टार्टिंग हुई लोगों ने मुझे अच्छा बताना शुरू करा कपड़े अच्छे हैं मनु ने बोला देख अच्छे लग रहे हैं तो मैंने यकीन नहीं करा क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मुझे कुछ आता है कि नहीं ऐसे ही है ये अभी दो दिन पहले गाली दे रहे थे अभी ये बोल रहे हैं कुछ सच नहीं है पर अभी हो गया एक डेढ़ साल लोग इतना ज़्यादा फैला दिया इस चीज़ को अब लग रहा है कुछ होगा ही तभी था अब तक मैं ऐसे ही मान रही थी थोड़े से टाइम पहले तो कि ऐसे ही चढ़ा रहे हैं बस मुझे इंटरनेशनल फ्लाइट में कैसा लगा आठ घंटे की फ्लाइट बिजनेस क्लास में मैं पहली बार बैठी तो मेरे भाई ने मुझे बोला था क्या पता आखिरी बार भी हो <laughs> आखिरी बार तो नहीं है <laughs> <laughs> तो इतनी वीडियोस बना के लाना मैंने स्टोरेज भर दी उधर अपने आईफोन की वो सारी बना के लाई बल्कि वो भी किसी काम की नहीं है वो बस खुद ही देखने के लिए है किधर लगानी नहीं है पर उधर वो चीज़ रिकॉर्ड करी खाया मैंने कुछ नहीं बस कॉफ़ी ली थी उधर क्योंकि मुझे नहीं पता था वो मैं वेज बोल रही हूँ उनको वो वेज दे रहे हैं क्योंकि मैं वेज खाती हूँ

मतलब अब ये है कि किसी चीज़ में अगर मुझे डर लग रहा है पर अगर वो चीज़ करके मेरा फ़ायदा है तो मैं वो करूँगी अभी मुझे रुकना नहीं है मेरे सिर्फ डर की वजह से कि मैंने कभी मैं कहीं बाहर नहीं गई अकेले या फिर मतलब सब चीज़ अब मैं सब कुछ करूँगी जो जो भी कि लाइफ में एक भी चीज़ की वजह से मैं पीछे नहीं रहूँगी कि इस चीज़ में मैं डर गई और मैं किधर कुछ करा नहीं किस चीज़ से डरते थे पहले जो नहीं करी ये लोगों से बोलना भी और जैसे माहौल से हम हैं सब चीज़ों में ही डर लगता था कि बाहर कैसे जाएंगे मतलब है थोड़ा सा इंग्लिश में बात करेंगे लोग अभी कुछ दिक्कत नहीं है अभी जो मेरे से आके बोलता है मैं बोलती हूँ हिंदी में बात करो ना अभी उस चीज़ की टेंशन तो एकदम ख़त्म है मैं जब स्टार्टिंग में हुई और इवेंट्स वगैरह में जाने लगी तो लोग सामने से इंग्लिश में बात कर रहे हैं दो चार बार मैं आई घर आके मैं रोई भी कि उधर लोगों को ऐसा लगा कि मैं उनकी बेइज्जती कर रही हूँ वो मुझसे कुछ बोल रहे हैं और मैंने कुछ जवाब नहीं दिया क्योंकि मेरी कुछ समझ नहीं आया पर अभी सबको पता चल गया कि इसको आती नहीं मेरा वो इतना वायरल गया ब्रूट वाला इंटरव्यू कि अभी सब लोग एक तो सामने से आके मुझसे हिंदी में बात करते हैं तो और अगर नहीं भी करते हैं तो अभी अभी जैसे मैं होटल में थी तो एक लड़की आई उन्होंने मुझसे इंग्लिश में बात करी मैंने वे झिझक इतना तो समझ आता है कि कोई क्या ही आके भाई अगर कोई जानने वाला आ रहा है वीडियो देख के वो क्या ही बोलेगा तारीफ़ ही कर रहा होगा मैंने थैंक यू सो मच बोल के हाँ बस थोड़ा सा बता दिया कि दर से भी आई हूँ कंग्रेचुलेसन बस यही सब तो इतना तो चलता है पर अभी इस चीज़ के लिए डर नहीं है बिल्कुल भी

डेफिनेटली आप कुछ चीजें नहीं कह रहे हो पर मेरे ख्याल से कुछ चीजें कहनी नहीं चाहिए पब्लिक में हाँ ना हुँ. ऐसे मैंने सब कुछ कह दिया शायद हाँ पर मतलब जहां आपको रुकना था आप रुक गए क्योंकि हम ये डेली करते हैं हाँ तो पता रहता है कि अब कौन हमारे सामने बैठे आप ये मानते हो कि एज ट्वेंटी थ्री से पहले बहुत ज्यादा संघर्ष था जिंदगी में हाँ मेरे ना हाँ बहुत था बहुत ज़्यादा संघर्ष मरने का भी आया था विचार क्यों तभी क्या हो रहा है कि वो स्कूल में भी जा रहा है उसकी फीस भी भरनी है छः सात हजार में क्या हो रहा है महीने में कुछ नहीं होता जहर आ जाता है उतने <laughs> तो फिर ये लास्ट ऑप्शन था कि वीडियो बना के देखते हैं कुछ होता है ऐसा है फिर छोड़ते हैं सब ऐसे क्यों सोचा था मुश्किल हो रहा था सब कुछ प्रेशर ले रहे थे खुद पे मम्मी की देखभाल करनी है मैं सोच के आई थी मैं इधर रहूंगी नहीं पर ये वाली बात थोड़ी है मैं बोल के बताऊंगी शायद इतनी नहीं लगेगी महसूस करने में वो बहुत बड़ी थी बोल के बताओ मतलब दिन रात हम घर पे मम्मी का वेट कर रहे हैं मम्मी अब आएंगी और कपड़े गंदे हो रहे हैं धूल मिट्टी में कोयला भी था उधर तो देखा नहीं जाता था कि हम इधर आराम से टाइम निकाल रहे हैं पूरा पूरा दिन मम्मी अब आएंगी और मैं मेरी मम्मी से बहुत प्यार करती हूँ सब करते हैं बस मम्मी को देखकर बुरा लगता था क्योंकि मम्मी आपके लिए संघर्ष कर रही थी हाँ। मम्मी जितने मम्मी बहुत अच्छी होती है मम्मी सहारनपुर से हाँ वहाँ मेन शहर से देवबंद है उधर सहारनपुर जिले में ओके। okay. अभी किसी को पता चल रहा है किधर है नहीं फिर। सहारनपुर हाँ जिला है उसमें ये गाँव है एक छोटा सा बताओ मम्मी के बारे में मम्मी के बारे में मम्मी की तो यही है कि मम्मी शादी के बाद आई अच्छी लाइफ नहीं मिली और फिर मम्मी ने तब तक मैंने ट्वेल्थ करी तब तक मम्मी गांव में टीचर थी टीचर तो थी पर पैसे इतने ही थे बस जितने फैक्ट्री से थे पर उस चीज़ में ना एक हेल्थ का डर नहीं था कि मम्मी सुबह जा रही है सात बजे एक बजे घर आ रही है छुट्टी हो गई स्कूल की तो उस चीज़ में एक टेंसन नहीं थी कि वहाँ कुछ मेहनत का काम हो रहा है और एक टाइम भी था कि इतना टाइम है और फैक्ट्री में सुबह को जाओ रात को आ रहे हैं कभी कभी रात भी करनी पड़ रही है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से थोड़ा टेंशन थी पर सुबह से शाम तक फैक्ट्री में और मेहनत वाला काम और कभी कभी डर भी लगता था कि मशीन वशीन का भी कुछ था उधर सिस्टम मैं गई नहीं कभी बस मुझे पता चला था ऐसे ही कि आज उन अंकल का कुछ उंगली में हो गया तो डर लगता था कि हमें ना सुनने को मिले कुछ ऐसा कभी तो स्कूल में जब थी जब कुछ प्रेशर नहीं था कि क्या तभी हम बहुत छोटे भी थे तभी क्या ट्वेल्थ भी नहीं हुई थी फिर ट्वेल्थ के बाद एकदम से प्रेशर आया अपने सपने नहीं है कुछ हटाना है यही था कि अब मम्मी को हटाना है और बस ये सपना ही रह गया था इससे अलावा अब कुछ नहीं रहा था और अभी जब हट गए अब मैं अब से सपने देख रही हूँ अब मैंने नए सपने देखने शुरू करे अब सारे पूरे करूँगी तो पैसों की टेंशन की वजह से तब दूर के सपने देखते भी नहीं थे नहीं मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता रिश्तेदार आज इतने खुश हैं पड़ोस में सब इतने खुश हैं मेरी मम्मी घर पे आराम से मजे में मैंने एक पपी लेके दिया मम्मी को भी उसका नाम चीकू है अभी पूरा दिन उसके साथ मस्ती करती है और हम इधर काम कर रहे हैं आगे अच्छी लग रही है मेहनत अब बहुत ये वाली मेहनत अगर इज्जत नहीं होती पैसा होता ना शायद फिर भी एक गिल्ट होता मन में अभी पता चल रहा है कि वीडियो वायरल मेरी पहले भी गई है वो मीम भी उठे हैं आपने देखा हो पता नहीं तो मीम भी बने थे बहुत मैं पहले जो मीसो वगैरह की बनाती थी, थी मेरे भी मीम बने हैं <laughs> <laughs> मैंने देखे <laughs> मैंने देखे मीम अगर आपके बनते हैं ये आपकी सफलता ही होती है पर उस टाइम ऐसा लग रहा था मीम बन रहे हैं मीम बनते रहेंगे और पैसा आएगा पर पैसा नहीं आ रहा था तो मतलब इज्जत भी जरूरी थी भगवान जी ने ऐड कर दी बस ये नहीं मैंने दो चार बनाए और छोड़ दिए फिर लगातार करूँ 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 एक भी दिन बीच में सिला नहीं क्योंकि तो रिश्तेदार ने आकर शादी की बात करी तो आप क्या कहोगे भगा दूंगी <laughs> अभी शादी नहीं करनी थी इसलिए तो ये करा पर करते थे बहुत सारे हाँ आपके गांव के यहाँ कब होती है शादी लोगों की नहीं ऐसे तो तीस तक भी होती है okay. पर मेरी इसलिए करनी थी क्योंकि पैसे नहीं थे ऐसा होता है कि अगर पैसे नहीं होते तो शादी करवा कुछ नहीं है पर ऐसा नहीं कि मेरा वो है थोड़ा बिल्कुल ही नॉर्मल है कि तीस तक भी हो रही है लोगों की छब्बीस सत्ताईस इतनी जल्दी किसी की हुई नहीं ट्वेंटी थ्री से पहले तो किसी की नहीं हुई पर फिर भी एक होता है ना कि अगर शादी भी ना करो तो इसको रखो ऐसे ही तब तक ये बड़ी हो तो फिर मत पैसे वेस्ट मत करो पर इस पे लड़के पे कर लो ये वाली चीजें सुनने को मिली मुझे बकवास लोगों से लड़कियां जॉब्स करती हैं हाँ सब करती हैं सब नहीं कुछ तो जो नहीं करती है वो घर पे शादी हो गई उनकी वो चली गई ओके पर वो थी बाकी लड़कियों के सपने क्या होते हैं हम सरकारी जॉब ही है बस पढ़ाई से कुछ करना है यही है कौन सोचता है कि वीडियो बना के ऐसे कुछ करेंगे आपका सफर देखकर शायद अब सोशल मीडिया हाँ। के बारे में सोचने लगे हैं लोग करा है मेरे रिश्तेदारों ने करा एक दो ने शुरू मुझे पता है उनको कुछ नहीं होगा क्यों क्योंकि आप जानते हो कि सोशल मीडिया के लिए क्या चाहिए रहता है हाँ क्या चाहिए रहता है वैसे ग्रोथ के लिए मतलब कंटेंट होना चाहिए कंटेंट लिप्सिंग कर रहे हो तुम कुछ भी अब नहीं चलने वाला कुछ मुझे तो इतना ही पता है पता नहीं कम है ज़्यादा है पर कंटेंट में अगर दम है तो फिर चलेगा क्या इंसान में भी दम होना चाहिए कंटेंट हाँ। में दम लाने के लिए वही है कितने हाथ पैर मारे थे मेहनत तो हम उन वीडियो में भी करते थे उनमें भी हम रात को लग जाते थे बनाने दिन निकल जाता था मेहनत उधर भी थी पर वो गलत साइड मेहनत थी तो कॉन्टेंट में दम होना चाहिए चाहे पाँच ही मिनट लग रही हो वीडियो बनाने में अब किसी बात से डर लगता है नहीं बिल्कुल नहीं थोड़ा बहुत कल कल जाकर अगर किसी ने डिज़ाइन की बुराई करी तब बुरा लगेगा मैं उनके बुरा बोलते ही अगला बना दूंगी तो अच्छा <laughs> वो भूल जाएंगे उसको लगेगा नहीं पहली बात तो मैं ऐसा लेके नहीं आऊँगी आपकी एक खुद की डिज़ाइन की स्टाइल है उस स्टाइल के बारे में कुछ बताओ क्या सोचते हो आप डिज़ाइन करते वक्त अभी तक मैंने कॉपी कराया सही बताऊँ मैंने ये चार आउटफिट अभी खुद से बना लिए तो अभी नहीं सोचा इस चीज़ के बारे में कि कुछ अपना पर्सनल टच क्या देना है अभी कॉपी मैं मुझे फ़ोटोज़ दिखे लिस्ट मैंने स्क्रीनशॉट डाले मेरी गैलरी में स्क्रीनशॉट शॉट ही स्क्रीन थे अभी तक कि मैं अभी फैब्रिक लेने भी जाती थी तो ऐसे रख के चलती थी सौ डेढ़ सौ फ़ोटो जिसके मिलेंगे मैं उतने सारे लेके आऊँगी क्योंकि रोज़ एक लेने जा रहे हो तो इसमें तो कोई टाइम की बर्बादी है तो ऐसे कर कर के मैं कपड़ा भी लेने जाती थी वो सारे फ़ोटोज़ में से जो मिलता था वो लेके आती थी तो अभी तक ये वाली टेंसन नहीं थी कि मैं मेरा टच क्या दूँ क्योंकि मुझे तो सेम फोटो जैसे बनाने थे अभी है अभी मैं ये सोचूंगी कि अभी मुझे क्या करना है उसका जवाब नहीं अब तक। हाँ अभी ये तो ये भी एक प्रेशर ही था कि अभी मुझे जाना है रेड कारपेट पे खुद के डिज़ाइन पहन के किसी की कॉपी नहीं करनी तो बने बहुत अच्छे बने और इतने मिलियन भी गए कि अभी तक कोई वीडियो और गई भी नहीं थी शायद मेरे डिज़ाइन कॉपी की वजह से और ज़्यादा ही चले जाएं अच्छे है मुझे इतना यकीन कि मैं अच्छे बनाऊँगी अच्छे लेके आऊँगी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके जब भी आप पूछे थे डर डर से कैसे लग रही हो यही था कि मेरी वजह से किसी का मूड नहीं खराब होना चाहिए नहीं नहीं बिल्कुल नहीं आप स्टार ऑफ द शो हो बस यही था पूरी दुनिया आपकी तारीफें कर रहा है कुछ तो होगा आप में पावर होगा देखो मेरा जॉब यह कि मैं जज नहीं करता जो भी मेरे सामने बैठे पर अगर मैं जज करता भी तो भी आपको नहीं जज करता <laughs> आप बहुत प्योर हो आप शुद्ध हो आप <laughs> सच्ची हाँ ऐसा लगता है आपके सामने बैठ कर मैं मानता हूँ कि कला जो होती है ना कला हमारी खुद की नहीं होती वो ऊपर वाले की <laughs> देन होती है और उन लोगों के थ्रू फ्लो होती है जिनका दिल साफ होता है और जो मेहनती होता है कला क्रिएटिविटी को लेकर मैं यही मानता हाँ। हूँ बनाने से पहले नहीं पता था मुझे वो हाँ। बनेंगे खुद हो गया वो डिज़ाइन भी आपको दिखी पहले दिमाग में हाँ पर मैं रात को जब सोती हूँ तो मैं आँख बंद करके लेट जाती हूँ कि मुझे कल ये सिलना है तो मैं उसकी कटिंग रात रात को कर लेती हूँ अपने दिमाग में सुबह जिससे मेरा टाइम ना जाए मैं फटाफट मैंने रात क्या सोचा था ऐसे करना है मेरा सवाल यह है कि दिमाग के अंदर डिजाइन कौन डालता है <laughs> ये बड़ा टफ <टौप> सवाल <laughs> <laughs> वो जो आपके पीछे बैठे अथर्व अथर्व नहीं अधर्वा के पीछे हैं। <laughs> <laughs> कैसे सोचती हूँ तो हो आप ऊपर वाले का आशीर्वाद है आपके साथ <laughs> हाँ बिल्कुल जब इतने लोग अभी सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर डिजाइंस खुद पे खुद एक स्ट्रेस है कि अभी अगली वीडियो भी जानी है, उससे अगली भी जानी है। फिर जानी है नया नया डिजाइन लाना है तो दिमाग को हैंग कर रखा है मैंने सोच सोच के नहीं ठीक है आप करोगे भी आपकी उम्र बहुत कम है अभी हाँ। चालीस पचास साल के लिए तो डिजाइन करोगे आप <laughs> ना डिजाइन हाँ। भी खुद से आकर दिमाग में चमकेंगी हाँ होगा okay. एक मिनट हो। ये देखो मुझे हिंदी में बताओ ये प्लीज ये कह रही है कि आपकी बहुत बड़ी फैन है और जो डिटेल्स आपके डिजाइन में होती है वो इन्हें बहुत अच्छे लगे मैं सोच रही मुझे रोस्ट कर है। नहीं नहीं और कह रही है कि जितना आपके बारे में और पता चल रहा उतनी बड़ी फैन बन रही है ये नहीं वो मैंने ना फिरंगी सबसे ऐसा आइडिया लगाया कि फिरंगी कुछ ऐसा बोल रही शायद कुछ नहीं, <laughs> वैसे ना अजीब बात है पर वो हमसे ज्यादा स्वीट होते हैं एटलीस्ट सोशल मीडिया पर फील कि भारत में लोग नीचे खींचने की कोशिश करते हैं पर वहाँ लोग ही कम है शायद इसलिए इतना नहीं सोचा था कि रेड कारपेट पे जाके आना ही तो है बस ये सोचा था कि जाऊंगी दो तो फोटो निकलेंगे बस आ जाऊंगी <laughs> इतना नहीं सोचा था कि क्या बिल्कुल ही <laughs> अच्छा हाँ, मुझे भी आप ऐसे रील्स देख तो हिंदी में अभी ये है ये मैं हूँ इसमें पर इंग्लिश में तो मैं मेरे भाई को बताऊंगी क्या है इसके बारे में बताऊँ मुझे क्योंकि वो मम्मी ने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाया वो एकदम प्रॉपर टी स्मार्ट बच्चा है उसको सब पता है हम्म mm. वो मुझे भी करने लग रहा है अभी हर चीजों में जबरदस्ती की चल तो चल निकल निकल देश से बाहर जा ये कर होगा Like, oh, like, these are the बाहर ये कह रही है की नसी त्यागी जैसे लोगों को लाना चाहिए कैन के रेड कार्पेट पर सही है मतलब जिन लोगों ने खुद के ड्रेसेस बनाए हैं जिन लोगों ने खुद के ड्रेसेस डिजाइन करे सही है मतलब अच्छा करा मैंने जाके मैं नहीं। सोच रही थी मैं जाती। वहां तक <laughs> इंस्पिरेशन फैल रही है। अच्छा लगा कैसे हो रहा है? क्योंकि अपने संघर्ष का सामना करके मेहनत करी है सेल्फ कि खुद के बलबूते पर ऊपर आया हो आप ये बहुत बड़ी बात होती है बहुत लोग बना रहे हैं आते हैं मेरे आगे रील खुद सिलाई कर रहे हैं कि जाएंगे सब आई होप कि आपकी वजह से बहुत सारे भारतीय लड़कियां भी सोशल मीडिया को और ज्यादा सीरियसली लेंगे हाँ, पता है आपकी एज ट्वेंटी थ्री है? है। जब मैं ट्वेंटी थ्री ईयर्स का था तब एक ट्रेंड होता था कि बहुत कम लड़कियां सोशल मीडिया पर एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर काम करती थी आई फील कि वो ट्रेंड अब बदल चुकी है नहीं आ, अभी लड़की ज्यादा होंगी शायद हाँ अभी लड़कियाँ ज्यादा हैं हाँ. तब तब ऐसा नहीं था और हम हमेशा ये पूछते थे कि क्यों क्योंकि दुनिया भर में ना लड़कियां ज्यादा होती थी तो सोशल सो, मीडिया पर अभी तो सब है अभी कुछ नहीं है किसी तो सभी लोग हैं आपका एक बहुत बड़ा रोल रहेगा भारत के सोशल मीडिया की स्टोरी में आने वाले सालों में thank ये डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ नैनसी त्यागी थैंक यू मजा आ गया आपके साथ मुझे भी पहला पॉडकास्ट था आपका मुझे आपसे हर साल मिलना है और जानना है कि क्या चल रहा है अब अब क्या सोच रहे हो हाँ। अब लाइफ कैसे बदली है पर एंजॉय ये आपका मोमेंट है मैं खुद को भी बदल रही हूँ और बहुत बड़े बड़े सपने अभी अभी देखने शुरू कर रही हूँ अभी तक नहीं थे पर अब से स्टार्ट कर रही हूँ और खुद को बिल्कुल बदल के रख दूँगी और भी ज़्यादा कि फिर किसी चीज़ के लिए नहीं डरना अभी थोड़ा बहुत कुछ भी अभी एकदम था क्योंकि हर चीज़ एकदम नई नई हो रही है और उस माहौल से निकल के हो रही है कि जिधर बिल्कुल इधर अलग है दिल्ली में बिल्कुल अलग एकदम लगाने के बाद जिधर हम छोटे थे उधर बीस इक्कीस साल उधर रहे एकदम से हर चीज़ अलग सी लगती है तो ये चीज़ थोड़े से दिन इधर रहेंगे तो आदत होएगी कि हम इधर हैं तो करते करते फिर सब टेंशन ख़त्म अभी नया नया है, है। इसीलिए थोड़ा सा लग रहा है लोगों की थोड़ी सी शर्मिली सी है थोड़ी शाये फील करती है थोड़ा सा डर डर के बात करती है ये टाइम के साथ जाएगा <laughs> भगाऊंगी मैं इसको नहीं अच्छी बात है कान बिलीव कि आप सिर्फ 23 के एज के हो हाँ uh, अलग जिंदगी देखी है आपने और एक बहुत अलग कहानी क्रिएट करोगे आप खुद की जिंदगी के साथ नैन जी त्यागी थैंक यू मजा आ गया आपसे बात you. करके प्लीज अगले साल भी आ जाना टी ओके थैंक यू नान तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड अगर अच्छा लगा तो डेफिनेटली दोस्तों के साथ मोहल्ले के साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स पर इस एपिसोड को शेयर कीजिए टी को फॉलो करते जाइए बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल एपिसोड्स आने वाले हैं आने वाले हफ्तों में तो डेफिनेटली हर एपिसोड के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहिए क्योंकि ये जो लाइनअप आने वाली है ना इट्स टू बी एप्सोल्यूटली क्रेजी बहुत मज़ा आया आज के गेस्ट के साथ नैन्सी त्यागी इज़ फुल ऑफ़ लाइफ इज़ फुल ऑफ पॉजिटिविटी उनसे मिलकर पता चलता है कि भगवान ने उन्हें इतना ज़्यादा ब्लेस क्यों किया इस स्टेज तक पहुँचने के बाद ये जानो आज के एपिसोड से कि देर इज़ नो सच थिंग कॉल्ड ओवर नाइट सक्सेस देर इज़ ईयर्स ऑफ वर्क दैट गोज बिहाइंड क्रिएटिंग एन ओवर नाइट सक्सेस ऑल द बेस्ट दोस्तों कीप सपोर्टिंग लॉट्स